कोई भी चुनाव हो या कोई भी पार्टी, सबके जुबानी और किताबी वादों में हर बार बेरोजगारी एक अहम मुद्दा रहता है और इसी मुद्दे को आधार बनाकर राजनीतिक पार्टियां युवाओं के वोटों को साधने की हर बार कोशिश करती हैं। लेकिन बाद में यही पार्टियां सत्ता में आकर इस मुद्दे को लेकर कितना असहनशील हो जाती हैं, ये समय समय पर हम सब ने देखा है। युवाओं को अक्सर रोजगार के नाम पर लाठी डंडे दिए जाते हैं। लेकिन बात हो रही है बेरोजगारी के ताजा आंकड़ों की, तो इसके लिए हम चलते हैं CMI यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हालिया आंकड़ों पर। अगर हम इन आंकड़ों पर गौर करें तो इस समय देश में बेरोजगारी दर बीते साल की तुलना में काफी ज्यादा है। जहां सितंबर 2021 में ये दर 6.8% थी, तो वहीं अगस्त माह में ये दर 8.28% रही। लेकिन आज हम इसका राज्यवार ग्राफिक्स के जरिए आकलन करेंगे। क्या यह असल मुद्दा है या नहीं, या है तो पर सरकारें इस पर बात करना ही पसंद नहीं करती। अब एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स पर। राज्य आंध्र प्रदेश, शासन YSR कांग्रेस, बेरोजगारी दर 6%। बिहार, शासन जदयू RJD, बेरोजगारी दर 12.8%। छत्तीसगढ़, शासन कांग्रेस, बेरोजगारी दर 0.4%। दिल्ली, शासन आप, बेरोजगारी दर 8.2%। गोवा, शासन BJP, बेरोजगारी दर 13.7%। गुजरात, शासन BJP, बेरोजगारी दर 2.6%। हरियाणा, शासन BJP, बेरोजगारी दर 37.3%। हिमाचल प्रदेश, शासन BJP, बेरोजगारी दर 7.3%। जम्मू और कश्मीर, शासन केंद्र, बेरोजगारी दर 32.8%। झारखंड, शासन JMM प्लस कांग्रेस, बेरोजगारी दर 17.3%। कर्नाटक, शासन BJP, बेरोजगारी दर 3.5%। केरल, शासन CPM, बेरोजगारी दर 6.1%। मध्य प्रदेश, शासन BJP, बेरोजगारी दर 2.6%। महाराष्ट्र, शासन BJP और शिवसेना, बेरोजगारी दर 2.2%। मेघालय, शासन MDA, बेरोजगारी दर 2%। ओडिशा, शासन बीजू जनता दल, बेरोजगारी दर 2.6%। पुडुचेरी, शासन केंद्र, बेरोजगारी दर 5.2%। पंजाब, शासन आम आदमी पार्टी, बेरोजगारी दर 7.4%। राजस्थान, शासन कांग्रेस, बेरोजगारी दर 31.4%। तमिलनाडु, शासन DMK, बेरोजगारी दर 7.2%। तेलंगाना, शासन TRS, बेरोजगारी दर 6.9%। त्रिपुरा, शासन BJP, बेरोजगारी दर 16.3%। उत्तर प्रदेश, शासन BJP, बेरोजगारी दर 3.9%। पश्चिम बंगाल, शासन TMC, बेरोजगारी दर 7.4%। जैसा कि आपने आंकड़ों में देखा कि हरियाणा 37.3% के साथ देश में सबसे पहले पायदान पर है, जहां BJP की सरकार है, तो वहीं जम्मू और कश्मीर 32.8% के साथ दूसरे पायदान पर है, जहां मौजूदा समय में केंद्रीय शासन है। साथ ही राजस्थान 31.4% के साथ तीसरा सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य है, जहाँ पर कांग्रेस का शासन है। हालांकि सरकारें इन आंकड़ों पर चिंता जताते हुए बेरोजगारी को लेकर कई योजनाओं और नीतियों का बखान तो करती हैं, लेकिन समस्या को लेकर कोई ठोस उपाय तलाशने में अभी तक नाकामयाब रही हैं। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए अतुल कुमार की रिपोर्ट।